नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास वन। दोस्तों आज हम शोध का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं, शोध का अर्थ क्या होता है और शोध की विशेषताएं तथा शोध के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च मेथड, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पहले आ चुके और आगे भी इनमें से आने की संभावना है। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि शोध का अर्थ क्या होता है। देखिए, शोध के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका हो। वास्तव में शोध एक प्रक्रिया है जिसमें पद्धतों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान याद किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, शोध के अंदर हम पद्धत मीन्स सैंपल इकट्ठा करते हैं और उन सैंपल के द्वारा ही हम किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान याद करने की कोशिश करते हैं। शोध द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है, मानव जीवन को सुगम बनाया जाता है। और दोस्तों अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो री प्लस सर्च होता है, लेकिन दोस्तों क्या ये इसका एक्चुअल मायने में सही मीनिंग है? नहीं दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए किसी बाजार के अंदर एक कुत्ता है, वो खाने के लिए कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा है, काफ़ी देर होगी उसे ढूंढते और अंत में उसको एक रोटी मिल जाती है, तो वो भी तो बार बार सर्च कर रहा है ना किसी चीज़ की, तो क्या वो रिसर्च होगी दोस्तों? नहीं दोस्तों, वो रिसर्च नहीं होगी। बार बार किसी चीज़ की खोज करना रिसर्च नहीं कहलाता और इसका मीनिंग वैसे हम ये कह सकते हैं लेकिन एक्चुअल मायने में ये मीनिंग नहीं होता, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है जिसके उसके संबंध में पद्धतों को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। यानी कि कोई समस्या लेते हैं, समस्या से रिलेटेड जो भी हमारे पास तथ्य हैं, जो सैम्पलिंग है, जो डेटा है, उन सभी को हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं और उसका एक अच्छा निष्कर्ष निकालते हैं जो उस समस्या का समाधान कर सकें, वो होते हैं दोस्तों एक्चुअल मायने में हमारी रिसर्च। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शोध कार्य द्वारा उन प्रश्नों, समस्याओं व उत्तर व समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है। ये चीज़ भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का सबसे पहला स्टेप होता है समस्या का चुनाव करना। हमारे पास ऐसी समस्या होनी चाहिए दोस्तों जिसका समाधान पहले उपलब्ध ना हो। अगर हम मान के चलिए अगर कोई बंदा आज रिसर्च करे, भाई मेरे को ऐसी डिवाइस बनानी है जिसे हम एक जगह से बैठ के दूसरी जगह तक बात कर सके, यानी कि 10 किलोमीटर तक हम वायरलेस बात कर सके, कोई बंदा ऐसी रिसर्च करने के लिए काम करने लग जाए तो क्या वो रिसर्च होगी दोस्तों? नहीं, वो भी रिसर्च नहीं होगी क्योंकि ऐसी डिवाइस हमने बनाई हुई है, पहले से ही बनाई हुई है, मोबाइल फ़ोन हमने बनाया हुआ है। लेकिन अगर आज कोई बंदा ऐसी कोई रिसर्च करे, ऐसी कोई डिवाइस बनाने की कोशिश करे तो वो क्या होगा? मूर्ख साबित होगा। तो दोस्तों हमारी रिसर्च के अंदर ऐसा होना चाहिए, समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका समाधान अभी तक याद ना किया गया हो, जिसका समाधान अभी तक ना हुआ हो, ऐसी समस्या होनी चाहिए हमारी। और या फिर हम ऐसी समस्या ले सकते हैं जिसको हम और इम्प्रूव कर सकें। अब जैसे मैं मोबाइल का ही एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, हम मोबाइल के अंदर और नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, नई नई फीचर ऐड करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि जो फीचर हम मोबाइल में ऐड कर रहे हैं वो पहले से है या नहीं,
ठीक है, अगर पहले से ही है तो हम क्या होंगे, मूर्ख साबित होंगे। तो यही चीज़ हमारे रिसर्च के अंदर होती है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको अच्छे से देखना चाहिए कि वो समस्या वैलिड है या नहीं है, वो पहले से खोज उसका समाधान हो गया है या नहीं हो गया, ये चीज़ हमारे लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो हमारी रिसर्च है वो ऐसी होनी चाहिए कि मानवीय ज्ञान में वृद्धि कर सके और मानव जीवन को सुगम बना सके, यानी कि अच्छे से चला सके मानव जीवन को, और नवीन तथ्यों की खोज करना यानी कि नई नई जानकारी खोज करना उसके अंदर। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, इसकी अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित होनी चाहिए, यानी कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से और एक प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बगैर कुछ प्लानिंग के ऐसे ही करने लग गए रिसर्च, तो दोस्तों वो रिसर्च नहीं होगी। ये साइंटिफिक रूप से प्रूव होना चाहिए कि जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यानी कि अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए सारी चीज़ें। ये चीज़ हमने बात कर ली दोस्तों, नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास, विश्वसनीय तथा वैध प्रविधि, यानी कि जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो विश्वास के लायक होनी चाहिए, जिस पे सभी विश्वास कर सकें, और जो वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई भी मेथड बना ले और उसी से रिसर्च करने लगे तो वो हमारी रिसर्च नहीं होगी दोस्तों, वो वैलिड रिसर्च नहीं होगी। और आगे हम बात करते हैं, जैसे गुणात्मक तथा परिणात्मक पद्धतों की व्याख्या की जाती है, और शोध कार्यों का उल्लेख सावधानी पूर्वक किया जाता है, यानी कि अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर हम ऐसे ही मान लो इग्नोरेंस करके कर रहे हैं, अगर उसके अंदर छोटी सी भी गलती हो गई तो हमारी पूरी रिसर्च गलत हो सकती है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी एरर आ गया तो। इसलिए हमें सावधानी से रिसर्च करने की आवश्यकता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधि होती है, हर जो शोध है उसकी अपनी अपनी अलग से मेथड हो सकता है दोस्तों, अलग से प्रोसेस हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि एक्शन रिसर्च के स्टेप अलग होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अलग होते हैं, सिंपल रिसर्च के स्टेप अलग होते हैं, तो ऐसा दोस्तों हर रिसर्च के अंदर अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुसंधान की विधियां, और इससे पहले दोस्तों मैं कई चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप याद रख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, और वो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं, जैसे ए बी सी, बी सी डी, इस तरह से चुनाव कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे, लाइव मॉक टेस्ट करेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि टाइप एंड मेथड ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, तो सबसे पहला है दोस्तों बेस्ड ऑन आउटकम, आउटकम के हिसाब से रिसर्च किस तरह की हो सकती है। सबसे पहले है दोस्तों हमारा मूलभूत अनुसंधान, यानी कि फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये हमारी एक बेसिक रिसर्च होती है, इसके अंदर हम वैज्ञानिक नियमों को उजागर करते हैं, यानी कि किसी सिंपल नियम को बनाते हैं इसके अंदर, और अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं नियमों का निर्माण करना होता है, सिद्धांत को बनाना होता है। इसके अंदर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान के चलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब नियम बना रहे हैं तो वो क्या होगी दोस्तों, हमारी बेसिक रिसर्च होगी। हमने नियम बना के छोड़ दिया, वो क्या होगी, हमारी बेसिक रिसर्च होगी। लेकिन जब उस नियम को हम कहीं पे लागू करेंगे तो वो क्या होगी दोस्तों, हमारी वो बेसिक रिसर्च नहीं होगी, वो हमारी अप्लाइड रिसर्च मानी जाएगी। और अभी मैं आगे और बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रायोगिक शोध या फिर अप्लाइड रिसर्च। अभी जैसे हमने बात की ना कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक सिद्धांत बना लिया, भाई कोई भी चीज ऊपर से छोड़ते तो वो नीचे गिरती है, ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब इसको हम एरोप्लेन उड़ाने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि एरोप्लेन किस तरह से उड़ सकता है, उसके अंदर इस सिद्धांत का यूज करते हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो हमारी होगी अप्लाइड रिसर्च होगी। इस अनुसंधान के अंदर किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है, इसके अंदर किन्हीं विशेष नियमों का किसी समस्या पर होने वाले प्रभाव के बारे में पता किया जाता है, यानी कि कोई भी समस्या उस पर हम नियम किस तरह से लागू कर सकते हैं और उससे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ें इसके अंदर पता की जाती है।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों मेथड ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से हमारी रिसर्च किस तरह की हो सकती है। सबसे पहली है दोस्तों मात्रात्मक शोध या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल लेते हैं उनका संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण करते हैं, यानी कि जैसे कि लोग, इसके अंदर क्या है कि संख्या, डेटा, आंकड़े इसके अंदर इकट्ठे किए जाते हैं दोस्तों, और उसी के अनुसार हमारी रिसर्च निकाली जाती है। और इसके अंदर जैसे मैं ये बात करते हैं जैसे कि घटना, परिणाम या परियोजना, प्रयोजन और प्रभाव से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर क्या है कि हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, यानी कि मात्रा होती है इसके अंदर, जैसे 2600 लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसमें कितने लोग शराब पीते या क्या करते हैं, यानी कि इसके अंदर सब कुछ डेटा, आंकड़ा इसके अंदर होता है दोस्तों, क्वांटिटी होती है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों गुणात्मक शोध यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं दोस्तों। क्वालिटेटिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर गुणों की बात करते हैं, यानी कि मनुष्य को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसकी क्या फीलिंग है, उसकी क्या भावनाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से खोजपूर्ण शोध है। इसका उपयोग अंतर्निहित कारणों, विचारों एवं प्रेरणाओं की समझ हासिल करने के लिए किया जाता है, यानी कि मनुष्य के क्या विचार हैं और उसके अंदर क्या क्या कारण से उन्होंने ये कदम उठाया है, यानी कि उसकी फीलिंग जानने का प्रयास किया जाता है दोस्तों इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे कि हम किसी व्यक्ति का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर इसके अंदर काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके उनकी राय जान सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमारी रिसर्च किस तरह की है। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसा नाम से पता चल रहा है वर्णनात्मक अनुसंधान। इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। और देखिए एक तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना कि इसका रिलेशन प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होता है वर्णनात्मक अनुसंधान का, ये चीज़ पहले आ चुके एग्जाम के अंदर। वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान दशाओं, क्रियाओं, अभिवृत्तियों तथा स्थिति के विषय का ज्ञान प्राप्त करना होता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्या अभिवृत्ति, क्या स्थिति है विषय से रिलेटेड, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित केवल तथ्यों को एकत्रित ही नहीं करता, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों में आपसे संबंध ढूंढने का प्रयास भी करता है। तो दोस्तों यही होता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान जैसा कि उसका वर्णन करना, ये चीज़ इसके अंदर होती है। प्रेजेंट टाइम में उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, उन सभी को सभी का वर्णन करना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्याख्यात्मक अनुसंधान, हमें उस समस्या का पता लगाने में मदद करने के लिए आयोजित किया जाता है जिसे गहराई से पहले अध्ययन नहीं किया गया हो। देखिए एक्सप्लेनेटरी यानी कि जैसा नाम से पता चल रहा है, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को जिसके बारे में हमें पहले गहराई से पता ना हो, अच्छे से ना पता हो किसी चीज़ के बारे में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। व्याख्यात्मक अनुसंधान का उपयोग हमें कुछ निर्णायक सबूत देने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि समस्या को अधिक कुशलता से समझने में हमारी मदद करता है। वही बात आ गई ना दोस्तों, किसी भी समस्या को अच्छे से समझने के लिए, डिटेल से जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यानी किस थ्योरी आदि को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है, वही बात आ गई दोस्तों। देखिए खोजपूर्ण शोध के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है, देखिए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का शोध आमतौर पर ऐसी समस्या का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हुई है और जिसके बारे में अच्छे से हमें नहीं पता चल सका है, यानी कि ऐसी समस्या जिसको अच्छे से डिफाइन ही नहीं किया गया हो कि वो समस्या क्या है, जिसके बारे में जिसकी डेफिनेशन ना पता हो हमें, तो उसको जानने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं दोस्तों। और आगे एक्सप्लोरेटरी जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रयोगात्मक शोध,
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि देखिए, एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सपेरिमेंट करना, लैब के अंदर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं और अपने अनुसार मात्रा डालते हैं। जैसे साइंस की लैब में हम जाते हैं, वहाँ पे केमिकल मात्रा में बड़े कंट्रोल से वहाँ पे डालना पड़ता है, हर चीज़ें कंट्रोल में करनी पड़ती है। कुछ चरों को मैनुपलेट किया जाता है एवं अन्य चर पर उनके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि दो तीन चर लेते हैं और उन चरों के द्वारा देखते हैं कि एक चर का दूसरे चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अंत ऐसे शोध में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उनका परिचालन करने का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी एक चर को दूसरे चर पे डालते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, और अगर हम कंट्रोल करते तो हमारी रिसर्च पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इसके अंदर हम करके देखते हैं। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध में व्याख्या करना होता है। ये चीज भी आप देख लेना दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन लॉजिक। लॉजिक के हिसाब से हमारी रिसर्च किस तरह की हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों डिडक्टिव यानी कि निगमन शोध। निगमन विधि में पहले नियम बता दिया जाता है, बाद में उदाहरणों द्वारा नियम को पुष्ट किया जाता है। देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हम छोटी क्लासों के अंदर, 7th 8th के अंदर मैथ के क्वेश्चन करते थे, तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, हमें फॉर्मूला दिया जाता था और उस फॉर्मूले के अनुसार फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते थे। सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना जरूरी है ना। तो वही बात है दोस्तों निगमन के अंदर, इसके अंदर इस विधि में पहले नियम बता दिया जाता है यानी कि किस तरह से क्वेश्चन होगा, और उसके बाद उदाहरणों द्वारा नियम को पुष्ट किया जाता है। फिर हम वो लगा के देखते थे ना, सभी क्वेश्चन करके देखते थे वही ये इस फॉर्मूले से हो रहा है या नहीं हो रहा। इस विधि में सिद्धांत या परिभाषा को पहले बता दिया जाता है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। दूसरे शब्दों में निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर चलती है। ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों, निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर चलती है। ये पॉइंट पहले काफी बार क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में आ चुका है। आगमन विधि के लिए निगमन विधि पूरक विधि है, इन दोनों विधियों के बीच कोई विरोध नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगमन विधि की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के परीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये उससे उल्टा है दोस्तों। ये देखिए, इसमें क्या है कि विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण या विश्लेषण, यानी कि कोई विशेष घटना होगी या कुछ विशेष तथ्य हमारे पास आ गए, उनको एनालिसिस करके फिर हम कोई नियम बनाते हैं। अब जैसे हमने एक शुरू में बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल की बात की थी, तो वो एकदम से तो प्रकट नहीं हो गया ना। पहले वो क्या था, ऊपर से सेब गिरा, सेब गिरने के बाद में वैज्ञानिक ने सोचा कि ये जो सेब है, न्यूटन ने सोचा कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा। उन्होंने एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया। तो ये क्या होगा दोस्तों, इंडक्टिव रिसर्च होगी हमारी, यानी कि विशेष तथ्यों घटनाओं के निरीक्षण या एनालिसिस के द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत का निर्माण जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव या फिर आगमन विधि कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, हमें ये पहले ये चीज पता चल गई ना भाई, सेब ऊपर से नीचे गिरा है, तो ये सभी को पता है, ये चीज हमें पता थी। लेकिन जो चीज पता थी उससे हम जो चीज हमें नहीं पता थी वो हमने पता कर ली, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चले गए हम, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये चीजें इसके अंदर होती है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन पहले आए हैं और अभी सितंबर के एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन आए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन आइडिया और कॉन्सेप्ट। वैचारिक यानी कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, इसके अंदर क्या होता है, किसी विचार या थ्योरी के बारे में रिसर्च करते हैं।
इसके अंदर हम, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि वैचारिक अनुसंधान में कोई व्यवहारिक प्रयोग करना शामिल नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल कोई काम नहीं करते, यह अमूर्त अवधारणाओं या विचारों से संबंधित है, यानी कि कोई धारणा बना रखी है, कोई अवधारणा है, विचार है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च या वैचारिक रिसर्च कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है अनुभाविक शोध, इम्पेरिकल रिसर्च की बात करते हैं दोस्तों, ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं उसके अनुसार जो रिसर्च होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं, यानी कि जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है, जो हमने ऑब्जर्व किया है और जो अनुभव हमने प्राप्त किया है उसके अनुसार जो रिसर्च करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं। यह एक प्रकार की अनुसंधान पद्धति है जो अनुसंधान परिणामों पर पहुंचने के लिए सत्यापन योग्य साक्ष्य का प्रयोग करती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का शोध केवल अवलोकन या वैज्ञानिक डेटा संग्रह विधि के माध्यम से प्राप्त सबूतों पर निर्धारित होता है, यानी कि जो हमने डेटा या अवलोकन किया है उससे जो हमें प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार ये हम रिसर्च करते हैं, तो कोई खास इसके अंदर नहीं है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सम अदर इम्पोर्टेंट रिसर्च की बात करते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका संबंध भूतकाल से तथा यह भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि पीछे जो पास्ट में जो जो चीज़ें घट चुकी है उनको हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में ये जो हमने गलतियां की है या फिर ये जो घटना घटी है इन घटना से भविष्य में हम किस तरह से सीख ले सकते हैं, भविष्य में हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है। ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड, उन तकनीकों और दिशा निर्देशों का समुच्चय जिनका उपयोग इतिहासकार अतीत इतिहास के अनुसंधान तथा लेखन के लिए करते हैं, यानी कि आगे के समझने के लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं, और इसके लिए प्राथमिक स्रोतों और पुरातत्व सहित अन्य साक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो पहले डेटा है, साहित्य में जो डेटा है उसी का हम उपयोग करेंगे, प्राथमिक स्रोत का उपयोग करेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, ये तो भाई इसके बारे में तो क्या कहें, यह तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसमें से हर बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके बारे में हम आगे और भी काफ़ी डिटेल से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रियात्मक शोध कहते हैं। इमीडिएट एप्लीकेशन रिसर्च जो होती है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक या एक्शन रिसर्च कहते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार क्या है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का तात्कालिक उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जा सकता, नहीं इसका सामान्य उपयोग किया जाता, इसमें यहाँ और सभी की समस्या जो स्थानीय प्रकार की है उन पर बल दिया जाता है, इसके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग के रूप में किया जाता है, न कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में, यानी कि इसका लोकल एप्लीकेबिलिटी के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी कि हम इसे अपनी अपनी समस्या के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और समस्या के समाधान के लिए जो रिसर्च यूज की जाती है उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। और एक्शन रिसर्च में दोस्तों और काफ़ी तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च, तो उसका आंसर होता है दोस्तों प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। आगे हम कल या परसों की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं, अलग अलग रिसर्च के क्या क्या स्टेप होते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। और एक्शन रिसर्च से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे आगे की वीडियोज़ में, तो वो वीडियोज़ आप देख लेना। विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल रिसर्च, शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है, शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचना व तथ्यों का अध्ययन करते हैं, यानी कि एनालिटिकल रिसर्च विश्लेषण करना किसी चीज़ का, इसके अंदर ये होता है दोस्तों इस रिसर्च में। आगे दोस्तों हमारे पास
नैदानिक शोध या फिर डायग्नोस्टिक क्लिनिकल रिसर्च। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य व्यवहारिक संसार का वर्णन करना, किसी व्यवहार के विभिन्न तत्वों, दशाओं, संबंधों पर प्रकाश डालना। यानी कि कोई हमारे पास कोई समस्या है, उससे रिलेटेड जो जो माहौल है, जो भी चीज़ है, उन सभी का अध्ययन करना, ताकि हम उसको अच्छे से डायग्नोस्ट कर सके, अच्छे से उसका निदान कर सके। और इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी एक प्रमुख समूह या संस्था का पूरी तरह से अध्ययन करना, जैसा कि किसी गांव में बीमारी फैल गई है, ठीक है, और वहां के लोगों से संबंधित वातावरण, अस्पताल इत्यादि का संयुक्त तो अध्ययन करना। जैसा कि हम मान के चलते हैं किसी गांव के अंदर मलेरिया फैल गया है, तो वहाँ हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और वहाँ का वातावरण किस तरह का है, वहाँ पे डॉक्टर कैसे हैं, यानी कि सारी की सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से डायग्नोस्ट कर सकें। आगे दोस्तों हमारे पास पश्चोन्मुखी अनुसंधान, कार्योत्तर अनुसंधान या फिर एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। दोस्तों इसको आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में इनके जो मीनिंग है वो चेंज हो सकते हैं, हिंदी में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। देखिए एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में, जिसमें भी आप पढ़ना चाहें इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है? इस तरह की शोध में हम एक स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। यानी कि एक स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टो यानी कि ऐसी कोई घटना जो भूतकाल में घटित हो गई और जिसे हम बदल ना सके, इस घटना से होने वाले प्रभाव को जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। यानी कि देखिए जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, एक्सपोस्ट फैक्टो, एक्सपोस्ट यानी कि पहले कोई घटना घट गई है उसके बारे में जो रिसर्च की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि सुनामी होगी, सुनामी को हम चेंज नहीं कर सकते, उसे सुनामी से क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं होने वाली है, उसका अध्ययन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। और इसके अंदर और भी चीजें हम देखते हैं दोस्तों कि हाँ, ये मैंने एग्जांपल दिया है दोस्तों, आप यहां से पढ़ लेना कि किसी जगह पर सुनामी आ गई है और वहां से सुनामी की वजह से काफी बीमारियां फैल गई है, तो इसके बारे में रिसर्च करना ये क्या कहलाता है? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों अब की बार भी आया है, सितंबर 2020 एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आया और पहले भी इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, यह एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड है जिसमें किसी एक सब्जेक्ट का डेटा एक निश्चित टाइम पीरियड के अनुसार इकट्ठा किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हम मान के चलते हैं कि हम बाल विवाह पर रिसर्च कर रहे हैं, हम 30 साल का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, भाई 1980 के अंदर क्या होता था, कितने बाल विवाह होते थे, 1985 में कितने होने लग गए, 1990 में कितने, 95 में कितने, 2000 में कितने, 2005 में कितने बाल विवाह हुए, और उससे क्या जो कमी जो आई है बाल विवाह में, वो क्यों कमी आई है, क्या लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई, या फिर जो नियम है कानून है वो कड़े हो गए, ये सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना दोस्तों एक स्पेशल टाइम पीरियड के अनुसार, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। और इसमें से क्वेश्चन अब की बार भी आया है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च करवा रहा हूँ। आगे है दोस्तों हमारा कारण प्रभाव शोध, कैजुअल रिसर्च। इस तरह की रिसर्च में हम किसी एक चर के कारण दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। जैसा कि किसी बच्चे को अगर हम पीने की दवाई दे तो उसकी बुखार कम होती है या नहीं, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ का, तो उसके बारे में जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम कैजुअल रिसर्च कहते हैं। कारण प्रभाव, किस कारण से, यानी कि कोई चीज़ गलत होगी तो वो किस कारण से हुई है, वो जानने के लिए रिसर्च की जाती है, तो उसको हम कहते हैं कारण प्रभाव रिसर्च कहते हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास सेंस रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम जो हमारी जनसंख्या होती है उस पूरा पूरे के पूरी पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं, उसको हर एक व्यक्ति को जांचते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं
कि हमें जनसंख्या, यही एग्जाम्पल ले लीजिए, गांव के अंदर जाना है, हमें जनसंख्या पता करनी है, जनसंख्या का सर्वे चल रहा है, तो हमें एक-एक घर के अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों, कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, हर एक व्यक्ति की हमें जानकारी लेनी होगी। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि हम 1,000 लोगों का गांव है और उसके अंदर 100 लोगों का हम सैंपल इकट्ठा कर ले और बता दे भाई इस गांव में टोटल संख्या इतनी है, ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। इसके अंदर हम हर एक व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंस रिसर्च कहते हैं। और इसमें से भी पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, केस स्टडी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी एक विषय में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना, उसके कारणों की जांच करना और विश्लेषण करना, यानी कि किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड पूरी केस स्टडी करना, उसके बारे में जानना, तो वो क्या होता है दोस्तों, केस स्टडी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नरवंश विज्ञान अनुसंधान, यानी कि इथेनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यह एक गुणात्मक शोध पद्धति है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या है, गुणात्मक शोध पद्धति है। इसमें से क्वेश्चन पहले आ चुका है दोस्तों, दिसंबर 2019 में करीब 3 क्वेश्चन इसमें से, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, तो आगे भी इसमें से आने की संभावना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक सेटिंग में रहने वाले सांस्कृतिक समूह का अध्ययन किया जाता है, अवलोकन या साक्षात्कार के माध्यम से डेटा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है, यानी कि अलग अलग जो कल्चर है लोगों की, उनसे रिलेटेड जो जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टडीज पार्टिसिपेंट इन इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और यानी कि व्यक्ति किस हिसाब से जीवन जीता है, उसकी क्या संस्कृति है, उसका माहौल कैसा है, पूरा समुदाय क्या एक्टिविटी करता है, उन सभी के बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। इसके अंदर हमने जाना कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, अनुसंधान का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।